नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। झारखंड में जमशेदपुर पोटका प्रखंड के टंगराइन पंचायत के महुलडीहा गांव में आज तक विकास का किरण नहीं पहुंचा। वहीं काफी संख्या में ग्रामीण पोटका प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और पदाधिकारियों से मिले। बताया जा रहा है कि न गाँव में इंदिरा आवास बना और न ही PM आवास बना और न ही शौचालय बना और न ही कोई जरूरतमंद को पेंशन का लाभ मिला। नहीं, गाँव के मुख्य सड़क भी काफी जर्जर है। वहीं ग्रामीणों और सामाजिक लोगों ने प्रखंड के पदाधिकारियों से मांग किया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही हर योजना का लाभ स्थानीय लोगों को मिले। आजादी के 71 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीण अपने बदहाल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। यह गांव में आज तक न सड़क बना है, न पानी बिजली, सारा चीज का वहाँ व्यवस्था नहीं है। जो आज आज़ादी का मतलब 70 साल बीत जाने के बावजूद भी आज टंगराइन पंचायत के मोहल्लिया गांव को वंचित किया है, जो विकास के नीम अब तक गड़ा नहीं गया है। तो आज हम लोग 8 सूत्री मांग को लेकर BDO साहब से मिले, तो BDO साहब ने भी आश्वासन दिया कि हम लोग जल्द से जल्द आपका मांग हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग कहें, अगर हम लोग का मांग नहीं मानी जाएगी तो टंगराइन पंचायत में जितना भी विकास योजना है सारा योजना का हम लोग जाँच कराएंगे और एक एक रुपया का हम लोग हिसाब लेंगे। टंगराइन पंचायत 70 साल से मोहल्लिया गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है, बड़ी दुख की बात है। ये हमारा 8 एजेंडा है। मुख्य सड़क की खराब व्यवस्था, सड़क इतना दयनीय है देखने से आँख में आंसू आ जाएगा। आदमी है वहाँ शौचालय होना चाहिए, लेकिन जहाँ खुला मैदान है वहाँ शौचालय है। यही झारखंड सरकार का है विकास योजना है, और आदमी का भी नहीं हुआ है। इंदिरा आवास भी नहीं, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। আমাদের রাস্তাও পরিষ্কার নাই, খুব আবড়া খাবড়া রাস্তা আছে, চলাও গাড়িও আসে না। আমাদের জলের ব্যবস্থা নেই, लाइटर व्यवस्था नहीं। झारखंड में कोडरमा के तिलैया डैम OP अंतर्गत तिलैया डैम जलाशय के समीप कुत्तों के झुंड ने जंगली हिरण को नोच नोच कर बुरी तरह घायल कर दिया। नाविक समिति के लोगों ने कुत्ते के झुंड को हिरण पर झूलते देख मौके पर पहुंचे कुत्ते से हिरण को छुड़ाया, पर जख्मी हिरण छूटते ही पानी में कूद गयी, जिसे उपस्थित नाविक समिति के कैलाश यादव व अन्य लोगों ने तत्काल तैर कर पानी से हिरण को बाहर निकाला और वन विभाग को की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की एक टीम घटनास्थल पहुंचकर जख्मी हालत में पड़े हिरण को इलाज के लिए अपने साथ कोडरमा ले गए। बिहार में बेतिया के नौतन प्रखंड के शिवराजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में घटिया ईंट सोलिंग निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से निर्माण की जांच की मांग की है और कहा कि सड़क का निर्माण सरकार के 14वीं वित्तीय योजना के तहत वर्तमान मुखिया लाल बाबू मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है। योजना में ग्रामीणों को लाखों रुपए के घोटाले की आशंका है। जहाँ योजना में पक्की सड़क का निर्माण कराना था वहाँ सोलिंग बनाना उचित नहीं है। आजादी के बाद पहली बार यहाँ सड़क का निर्माण हो रहा है, वह भी सबसे घटिया ईंट का इस्तेमाल करके निर्माण कार्य को पूरा किया गया। यथाशीघ्र इसकी जांच होनी चाहिए। पाटन के ईटा 3 नंबर खरंजा क दिन चली, ऐसे बेहतर ना बनी तो नहीं अच्छा रख। बनला से कोनो फायदा नहीं है, ऐसे हाथ पर टूटे के भी संभावना बा। बेतिया के पश्चिम चंपारण जिले में DIG कार्यालय में अब सप्ताह में एक दिन होगा प्रेस वार्ता। DIG ही करेंगे प्रेस को संबोधित। प्रदेश के DGP के आदेशानुसार सभी रेंज के DIG सप्ताह में एक दिन शनिवार को प्रेस वार्ता करेंगे, ताकि संवादहीनता की स्थिति नहीं रहे और मीडिया एवं पुलिस के बीच कोई भी भ्रम पैदा ना हो सके। उक्त बातें अपनी पहली प्रेस वार्ता में चंपारण परिक्षेत्र टेक ताकि संवादहीनता की स्थिति नहीं रहे और मीडिया एवं पुलिस के बीच कोई भी भ्रम पैदा ना हो सके। उक्त बातें अपनी पहली प्रेस वार्ता में चंपारण प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद ने कही। उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता के दिन पुलिस की उपलब्धियों को अवगत कराना तथा घटना व दुर्घटनाओं की सही जानकारी से अवगत कराना अनिवार्य है, ताकि पुलिस और प्रेस के बीच संवादहीनता की स्थिति पैदा ना हो सके। मवेशी सब बरामद हुए मोतिहारी में, जितिया में मिनी गन फैक्ट्री को है, मिनी गन फैक्ट्री जिसमें बनाया जाता था, हम शोकर बनाए थे, वो पकड़ाया और बगा में फॉरेन करेंसी। आज शुरुआत हुई है, पहले दिन आदरणीय DGP के निर्देशानुसार प्रत्येक शनिवार को बेतिया रेंज का
प्रेसिंग करना है, जिसमें एक सप्ताह के अंदर में जो विशेष घटना घटेगी उसकी जानकारी एवं जो उपलब्धि उसकी जानकारी आपको दिया जाएगा। और आज जो तथ्य हमारे सामने थे वो आपको उपस्थित कर दिए और फोटो कॉपी आप लोगों को उपलब्ध किया जाएगा। बिहार में भोजपुर जिले के अपराधी चुस्त और भोजपुर पुलिस सुस्त नजर आ रही है। जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं एवं पुलिसिया रवैये के खिलाफ आम जनमानस का गुस्सा फूट पड़ा है। देर रात स्वर्ण व्यवसायी पर हुए जानलेवा हमले एवं लूट के खिलाफ विहिया नगर के व्यवसायी संघ अपनी दुकानों को बंद कर सड़कों पर उतर गए हैं। विहिया थाना क्षेत्र के नगर स्थित डाक बंगला के समीप विहिया नगर के व्यवसायी संघ ने अज्ञात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अपनी अपनी दुकानें बंद कर विहिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सड़क जाम कर रहे लोगों को लगातार समझाने के बाद विहिया स्वर्ण व्यवसायी संघ के अध्यक्ष जवाहर लाल शर्मा, दीपक आलोक मुख्य पार्षद नगर पंचायत व पार्षद बैजनाथ प्रसाद से वार्ता के दौरान 72 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म मामले में पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद प्रेम सागर पासवान को पास्को एक्ट की धारा 4 में दोषी करार देते हुए फैसला सुनाते हुए उन्हें 10 साल की सजा मुकर्रर की है। वहीं विशेष अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने कहा कि 20 अप्रैल 2013 को रात 9 बजे प्रेम सागर ने अपने भतीजी को भेजकर पीड़िता को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत की गई। इसकी जानकारी जब पीड़िता की मां को लगी तो उसने झरिया लोदना थाना में प्रेम सागर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें आज पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। पूर्ण रूप से विकलांग 75% विकलांग लड़का इस तरह का कभी हरकत कर नहीं सकता है और हमने पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ कि इस लड़के को जानबूझकर पूर्व प्लानिंग के तहत फंसाया गया, एक मास्टर का झूठा आरोप लगाकर। आखिर झूठा क्यों फंसाया, क्या वजह रही? झूठा इसलिए फंसाया गया कि उन्होंने उनका झगड़ा था। क्या चीज के लिए था झगड़ा? झगड़ा आपसी मोहल्ले का मतभेद था लड़की का माँ के साथ। जी, जिस तरह से ये घिनौना हरकत इन्होंने किया है एक 13 साल के बच्ची के साथ में, अपने घर बुला करके जिस तरह से इनके साथ जमीन पर लेटा करके बलात्कार किया है, यह कम से कम सजा हुई है। इनको लाइफ टाइम मिलनी चाहिए थी। और ये एक टीचर होने के माध्यम से भी एक बहुत बड़ा दुष्कर्म है, जो कि कभी ऐसा समाज में ऐसा अपराध न हो। प्रेम सागर पासवान को पास्को एक्ट के अंतर्गत 10 साल की सजा हुई है और 25,000 रुपया जुर्माना। आरोप यह था कि अभियुक्त जो है ट्यूशन पढ़ाने के बहाने उसको अपने घर पर बुलाया और उसकी बच्ची की उम्र जो है 13 साल थी और उसको घर बुला करके उसके साथ रेप किया। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। बेतिया नौतन थाना क्षेत्र के खैरा टोला गांव स्थित वैष्णो देवी मंदिर के पीछे बीती रात मध्य रात्रि झाड़फूंक के बहाने सोची समझी एक साजिश के तहत 12 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ मंदिर के पुजारी हरिहर बाबा के द्वारा दुष्कर्म जैसी जघन्य अपराध करने के प्रयास का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए पुजारी की गिरफ्तारी की मांग की है और बताया कि बीती रात अचानक मध्य रात्रि में लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ग्रामीण जब आवाज की तरफ दौड़ते हुए मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि एक युवती रो रही है। पुजारी और सहयोगी मौके से फरार हो गए थे। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामले में घटनास्थल पहुंच पीड़िता का बयान ले थाने में आवेदन देने की बात कही है। इधर ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पुजारी ऐसी घटनाओं को कई बार अंजाम दे चुका है। आवाज का बाप सुन ले आवाज सिलाई लोग गाँव के लोग यहाँ बहुत पहुँचा हम नहीं सा लंगा रहे बाद आकर वस्त्र पहन सा बस पहना कर भाग गए लोग गाँव में अब भाग गई लोग प्रशासन बुलाओ गई प्रशासन में आके देख लो उनका घर झिंगनदास के घर में गए ले बड़ा बाबू सब चेक कर ले ना रह ले बाद बहुत कांड कर ले बालो लोग पहले हूँ बहुत कांड कर ले बालो यहाँ बलात्कारी बुला बुला यहाँ उछैती कर ले लो आ बहुत रुपया ठग ले बालो लोग लड़की का बाप और उसके नाना
यहाँ पर हल्ला किया तो हम लोग देखे थे कि लड़की बस लंगा है अनु को वस्त्र पहनाया गया और उसके बाद में उनसे पूरा व्यवहार करने के नजायज उन्होंने वहाँ से हम लोग आए तो भाग गए। कांग्रेस के कद्दावर नेता वागुन सुमरुई जी के शोक सभा में आज धनबाद के कांग्रेस कार्यालय में जिले के सभी कांग्रेसियों ने उन्हें फूल माला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी, साथ ही 2 मिनट का मौन धारण किया गया। वहीं कांग्रेसी नेता अभिषेक सिंह ने कहा कि वागुन सुमरुई जी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, आज उनकी कमी खल रही है। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रविंदर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने लोकप्रिय नेता को खोया है जिसकी शायद भरपाई नहीं हो पाएगी। हमारे नेता तो पूरे अभी यहाँ पे समझे और एमपी रह चुके हैं, कल उनका देहांत हो गया लेकिन आपने शक्ति के लिए उनकी प्रार्थना करने के लिए आज भी उनको कांग्रेस में एक दूसरों पर भगवान से प्रार्थना चाहिए कि भगवान उनके आत्मा के शांति जितना कमी खलेगा उनका नहीं रहने से पुराने बड़े नेता थे उनका मार्गदर्शन हम बिल्कुल हमेशा लिया करते थे। जहाँ भी हम कांग्रेस परिवार के लोग बसते थे उनसे हम दूरभाष पर बात किया करते थे, तो उनकी कमी तो हमेशा खली थी। आज झारखंड के एक जनमानस के वो नेता थे और ये आज 92 वर्ष की उम्र में इनकी कल निधन हुई है और ये कांग्रेस अपने एक ऐसे जनप्रिय नेता झारखंड एक अपने ऐसे जनप्रिय लोकप्रिय नेता को खोया है कि इसकी क्षति आने वाले दिनों में शायद भरपाई ना हो पाए। बागुन सुमरई जी यूनाइट बिहार में मंत्री भी रहे, 5-5 बार उन्होंने सांसद रह करके राज्य और देश की सेवा की है और साथ में वो इतने सुलझे हुए व्यक्ति थे कि आम जनमानस के लिए हर समय वो लड़ते रहते थे। तय आज हम उन्हीं अपने ऐसे जनप्रिय लोकप्रिय नेता का आज हम लोग सारे कांग्रेस के परिवार एकत्रित होकर के हम लोगों ने उनका शोक सभा का आयोजन किया है। दरभंगा के लहेरिया सराय पोस्ट ऑफिस के पास सुधा डेयरी के संचालक नंद कुमार कमती के 18 साल का पुत्र राहुल कुमार की बगल में बिजली के स्ट्रीट लाइट के पोल में सटे नंगे तार से बिजली प्रवाहित होने के संपर्क में आने से दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने गुस्से में आकर 4 घंटे रोड जाम किया। वे लोग बिजली विभाग के GM और JE पर 302 का मुकदमा और आश्रित को 10 लाख रुपए के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम का समर्थन करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि पिछले जनवरी में ही स्थानीय लोगों ने घटना की आशंका को लेकर विभाग को आवेदन दिया था लेकिन पदाधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया जिसका परिणाम आज की यह घटना है। मौके की नजाकत को देखते हुए जिला प्रशासन ने बहादुरपुर प्रखंड के CO सह BDO को वार्ता के लिए भेजा और तत्काल 20,000 का चेक दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया गया। इधर मृतक के परिजनों के द्वारा बिजली विभाग के GM, SDO और JE पर मुकदमा करने की प्रक्रिया की जा रही है। अभी यहाँ पर जो है सो लोहे का खंभा है जिसमें स्ट्रीट लाइट लगाया हुआ है नगर निगम और उसमें कह लीजिए कि बिजली विभाग का जो 440 का नंगा तार जो है उसमें बिजली प्रभावित हो रहा है और वो जो है उसमें पूरा डायरेक्ट अभी जो है सो आंधी में सट गया है। इसको लेकर के इस संभावना को लेकर के कई बार यहाँ के लोगों ने बिजली विभाग को आवेदन दिया था इस नंगे तार को जो है कवर वाइट से इसको काटा जाए लेकिन यहाँ की निकम्मी जो बिजली विभाग की प्रशासन है वो एकदम मने बेसुध बनी रही और अभी अभी जो है सो यहाँ सुधा डेयरी में जो काम करने वाला एक नौजवान था 16 साल का वो उस पोल के संपर्क में आकर के उसकी दर्दनाक मौत हो गई है जिसके खिलाफ यहाँ के स्थानीय लोग गुस्से में हैं और उस मौत के खिलाफ जो है रोड जाम किए हुए हैं और जो उनके आश्रित परिवार हैं उनको 10 लाख का मुआवजा और 1 लोगों को माने सरकारी नौकरी मिले। बहादुरपुर का ग्रामीण ने मिलकर के पूरा रोड को जाम किया, बिजली विभाग आगे उसको बिजली विभाग को पहले दुरुस्त करे और इसका जो मुआवजा मिले। गरीब आदमी है, किसी तरह रोजी रोटी चल रहा था, इसका दूध बेच करके कमासू लड़का था, घर का बड़ा लड़का था, घर का बड़ा लड़का था, वो मृत्यु हो गया, इसका मुआवजा मिले, इसके घर में एक आदमी को नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, 10 लाख रुपया का मुआवजा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एंट्रेंस की परीक्षा देने पहुंचे 180 परीक्षार्थियों का परिषद व केंद्र की लापरवाही के कारण 1 साल बर्बाद हो गया। ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा का केंद्र जिले के विनोद नगर स्थित JDS ITI को बनाया गया था परंतु वहां मात्र 92 कंप्यूटर थे, उनमें भी मात्र 15 ही काम कर रहा था। इस व्यवस्था पर परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। परीक्षार्थियों के हंगामे के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी।
हम देखिए पैर में ऐसे चोट लेकर के आसनसोल से आए हैं, आसनसोल से भी पीछे वहाँ से आए हैं आईसीआर का एग्जाम देने के लिए। हम 7:30 बजे तक घुस गए, यहाँ का टाइम है रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 बजे से 9:35 तक, तो कुछ बच्चों का 15 बच्चे का एग्जाम हो रहा है, बाकी 165 बच्चे का एग्जाम नहीं हो रहा है, सब बाहर ऐसे है। अगर 15 बच्चे का एग्जाम हो रहा है, ये लोग बोले 1 बजे से लेंगे, 1 बजे से कभी ऑनलाइन एग्जाम होता है, एक बार अगर ऑनलाइन में एग्जाम हो जाए उसके बाद दोबारा नहीं मिलता है, ऑफलाइन में इसका कोई चांस ही नहीं है। यहाँ के प्रबंधक क्या बोल रहे हैं? यहाँ का प्रबंधक बाहर ही नहीं आ रहे हैं, ऊपर छुपके बैठा है, ऊपर छुपके बैठा है, खाली 15 बच्चे का एग्जाम हो रहा है, बाकी इतना बच्चे देखिए खड़े हैं। कितने बच्चे का एग्जाम हो रहा है? 185 का, 185 में 15 का ले रहे हैं। हाँ, 92 का हम लोग शुरू करवा दिए थे, बाकी लोगों को बोले थे 67 को सेकंड हाफ में कराएंगे, लेकिन इन लोग माने इसीलिए हंगामा हो गया। सर ये बच्चे कहाँ कहाँ से आए? बहुत ज्यादा बोकारो से आए, आसनसोल से आए हैं, धनबाद का तो है ही। तो अभी क्या कुछ किया जा रहा है? अभी हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं आईसीआर को, ताकि ये सेंटर को कैंसिल करके दोबारा लिया जाए। फिर इसका एग्जाम एग्जाम कैसे कहाँ पे होगा अभी नहीं बता सकता, अभी हम तय करेंगे। मेरे पास 180 का 185 स्टूडेंट का कैपेसिटी का एग्जाम है, तो हम लोग का रिक्वायरमेंट था कि 180 स्टूडेंट और 25 बैकअप 20 बैकअप चाहिए। ऑनर यहाँ के बोले कि अवेलेबल है, पर यहाँ पे हो नहीं पाया, जिस कारण सिस्टम सारा चला नहीं। जितना चला उतना स्टूडेंट को बैठाया गया, तो फिर बोला गया था कि सिस्टम कुछ अलाउ किया गया, अरेंज किया जाएगा, पर नहीं हो पाया, जिसके कारण ऐसा हुआ। बस ये रीजन हुआ। क्या यहाँ अब एग्जाम कैंसिल हो गया है? अब एग्जाम कैंसिल, एग्जाम तो बंद हो गया, तो यानी कैंसिल ही होना हो गया। इसके बाद में जानकारी हम नहीं दे सकते। ये किस चीज के एग्जाम हो रहे? आईसीआर था, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर। हम लोग यहाँ आईसीआर का एग्जाम देने के लिए आए हैं, और बहुत दूर से आए आईसीआर का एग्जाम देने। कहाँ से आए हैं? हम लोग हाउसिंग कॉलोनी से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एग्जाम में क्या दिख रहा है? यहाँ पे बहुत ही खराब स्थिति है, आधे लोग को एग्जाम देने मिल रहा है और आधे लोग को एग्जाम देने ही नहीं मिल रहा है, और जबकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम है 10 से 12:30 बजे, और हम लोग को बोला जा रहा है, हम लोग को बोला जा रहा है कि अब आप लोग दूसरे शिफ्ट में एग्जाम देना, तो एग्जाम तो एक ही बार होगा ना, अगर क्वेश्चन आउट हो गया तो हम लोग को तो भविष्य अंधकार में जाएगा कि नहीं, आप ही बताइए। यहाँ बोला जा रहा है कि कंप्यूटर खराब है, हमारे अरेंजमेंट अच्छा है, अगर अरेंजमेंट खराब है तो हम लोग को यहाँ कहीं और शिफ्ट कराई है। आप लोग का एग्जामिंग टाइमिंग क्या थी? 10 से 12:30। और वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं अब आप लोग 1 बजे से एग्जाम दीजिएगा, 1 से 3:30। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आज भ्रमण कार्यक्रम में बिहार के रोहतास जिले में योजनाओं का समीक्षा समाहरणालय स्थित DRDA सभागार में किया। करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आगमन सासाराम में हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज सासाराम में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, पर्यावरण व वन विभाग सहित मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना की समीक्षा की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार।